नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये सोया बड़ी है और सोया चिल्ली, जिसमें शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और बहुत सारे चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगी, लेकिन मैं इसमें समय नहीं देते हुए सबसे पहले आपसे शेयर कर दूँ कि इसको बनाने के लिए इसे गर्म पानी में मैं उबालती हूँ और इसके लिए मैंने एक तसले यहाँ चढ़ा दिए हैं। इसमें 3 कप मैं पानी इसमें गर्म होने के लिए रख दूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि पानी खौलने लगा है, इसमें जो सोया बड़ी है इसको इसमें डाल देनी है। दोस्तों, इसमें डालकर इसको ज़्यादा देर नहीं रखना है, बस डालो और इसको ऑफ कर दो गैस को और थोड़ी देर तक ढका हुआ रहने। 1-2 मिनट के बाद इसके ढक्कन हटा कर देखे, इस तरह का देखिए कितना बड़ा बड़ा ये हो गया है। अब इसमें क्या करने हैं कि ठंडे पानी आप इसमें डाल दें, क्योंकि आपको हाथ से इसको छू के निकालना है, तो ठंडा पानी डाल देने से आप इसको हाथ से पकड़ सकते हो। अभी तो ये गर्म होगा, इसलिए हो सकता है कि गर्म ज़्यादा हो, तो अभी 1-2 बार और, अभी काफ़ी गर्म है तो और पानी इसमें मिलाने पड़ेगी। 1-2 बार इसमें पानी आप डालकर, ठंडा पानी डालकर इसको ठंडा कर ले सकते हो। अब ये ठंडी हो गई है तो हाथ से इसको पकड़ना है आपको, और इस तरह से पकड़ के आप गाड़िए। पानी इसमें रहनी नहीं चाहिए, सारे पानी को निचोड़ कर आप इसमें रखते चले जाइए, इस तरह से निचोड़ते हुए। दोस्तों, अब इसमें जो मैं मिला रही हूँ इसको आप देख लें, ये है आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉर्नफ्लेक, और ये 2 चम्मच इसमें है, इसको मैं इसमें मिला दे रही हूँ। अब ये जो आप देख रहे हो ये मैदा है, ये भी 2 चम्मच है, लेकिन इसमें से मैं 1 ही चम्मच मिलाऊंगी, 1 चम्मच मैं रखी रहूँगी, बाद में फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च। अब आते हैं नमक पर, तो 1 चम्मच नमक आप इसमें डाल दें। आप उबालने के समय भी इसमें नमक डाल सकते थे, मैं उसमें नहीं डालती हूँ क्योंकि बार बार करने से, नमक डालने से अंदाज़ा में गड़बड़ी हो सकता है। दोस्तों, अब है सोया सॉस, तो इसको 1 चम्मच आपको डालनी है, सोया सॉस 1 चम्मच दोस्तों, और 1 चम्मच इसमें विनेगर। ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चम्मच से या हाथ से अच्छी तरह से मिला दो। दोस्तों, मैंने इसको ये कर लिया है। अब ये सारा जो आप देख रहे हो मैदा और इसमें जो लगाया गया था वो सब इसको पकड़ चुका है। अगर नहीं पकड़े तो आप 2-4 बूंद पानी 1 चम्मच डाल करके भी इसको कर सकते हो। दोस्तों, अब कढ़ाई में यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और इसमें अब जो ये है उसको एक एक करके आप छोड़ते जाइए, जितना एक बार में अटे उतना इसमें डाल देनी है, और आंच को मीडियम से लेकर के आप हाई तक रख सकते हैं, लो करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। आप इसके कलर देख लो, बस बहुत जल्दी ये हो जाता है तैयार, और इसके तेल को निकालते हुए अब इसको बाहर निकाल लेनी है। इसी तरह से बचे हुए वाले जो हैं उन सबको हटा लेना है, इसी तरह से फ्राई करके आपको रख लेना है। दोस्तों, मैंने कढ़ाई बदल दी है, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आप उसको भी रख सकते हो, और इसमें 3-4 चम्मच तेल है, उसमें सबसे पहले जो आपने लहसुन रखे हैं इसको आप डाल दो, साथ में आप चाहो तो आधी भी रख दे सकते हो, क्योंकि लहसुन में एक गंध होती है, वो कभी कभी कुछ लोगों को बुरी भी लगती है, तो ऐसे में आप उसको थोड़ा ज़्यादा भूनना पड़ता है, और ये आधी को मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। दोस्तों, अब इस तरह से जो शिमला मिर्च आपने काट के रखे हुए हैं उसको आप इसमें डाल दें, और आँच अब आप कम कर लें,
क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसको करोगे तो इसके कलर ख़राब हो जा सकते हैं। और वैसे ही चौकोर पीस में प्याज भी कटा हुआ है। इसमें मेरा 2 मीडियम साइज का प्याज है और 2 मीडियम साइज का मेरा शिमला मिर्च है। दोस्तों अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्याज में एक अलग सी चमक आ गई है और जो शिमला मिर्च हमारा है वो अभी ग्रीन ही है। तो इस हालत में अब क्या है कि 2-3 मिर्ची आप अगर तीता खाते हो तो ज़्यादा भी कर सकते हो, इस तरह से काट कर इसमें डाल दो। साथ ही एक टमाटर को मैंने यहाँ पर काट लिया है, इसको भी मैं इसमें डाल दी। एक दो मिनट बाद मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। ये तीखा नहीं करता है, ये कलर लाता है। 1 चम्मच नमक, वैसे आप अपनी नमक पर अपना ख्याल रखें, अगर कम नमक खानी है तो कम भी डाल सकते हैं। यहाँ है टोमेटो केचप, 2 चम्मच टोमेटो केचप, 1/2 चम्मच चिली सॉस। अगर चिली सॉस आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हैं। दोस्तों 1 चम्मच सोया सॉस, 2 दोस्तों मैदा जो मैंने आपसे बात की थी कि मैं बचा के रखी हूँ, तो मुझे ग्रेवी बनाने थे। अगर ग्रेवी बनाने हैं आपको भी तो आप थोड़े से मैदा बचा लें, या 1 चम्मच मैदे को आप क्या करें कि घोल कर इसमें डाल दें। अगर आप ग्रेवी नहीं, सूखा हुआ ही ड्राई ही रखना चाहते हो तो इसको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब 2 मिनट के बाद इसमें जो सोया यहाँ फ्राई करके रखा हुआ है इसको डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला देनी है। दोस्तों ये तैयार हो गया, आप देख लो कितना खूबसूरत सा ये दिख रहा है और सुगंध भी इसकी आ रही है। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी उपयोग कर सकते हो, मैं नहीं करती हूँ गरम मसाला, मैं थोड़ा कभी कभी अवॉइड भी करती हूँ। और बहुत खुशबू आ रही है इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, धनिया पत्ता से थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर देते हैं। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।